मेरे सामने खड़ी है यसडी की ये नई एडवेंचर बाइक जो कल ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है, और आज मैं आपके सामने इसका एक छोटा सा राइड एक्सपीरियंस लेके आ गया हूँ, जहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि भाई चलने में कैसी है ये बाइक। आप लोग ने यसडी की और भी कई सारी बाइक्स देख ली होंगी, जहाँ पर मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि भाई इसके अंदर कितना इंजन मिल रहा है, 343 cc वाला जो इंजन इसके अंदर मिल रहा है, जो ऑलरेडी जावा पैराग के अंदर मिलता है। बट इस बाइक का जो सीधा कंपैरिजन है वो है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन से। लेकिन क्या ये बाइक रॉयल एनफील्ड की हिमालयन से अच्छी है, या फिर इसका कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड हिमालयन पर तो मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। लेकिन आइए आज चलाते हैं इस एडवेंचर नाम की यसडी की नई एडवेंचर मोटरसाइकिल को, और देखते हैं कि चलने में ये बाइक कैसी फील होती है। तो आइए जरा इस बाइक को मैं चलाकर दिखाता हूं। सीट हाइट है वो थोड़ी सी मुझे ज्यादा लग रही है रॉयल एनफील्ड हिमालयन के कंपैरिजन में, तो जो लोग थोड़े से छोटे होंगे उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस बाइक की जो हाइट है वो तकरीबन 815 mm की है। बट रॉयल एनफील्ड हिमालयन का जो 800 mm वाली हाइट है और उसमें इतना ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, तो उस हिसाब से हाइट वाइज तो हिमालयन थोड़ी सी बेटर है। लेकिन चलाने में आइए बताता हूँ कि यसडी कैसी दिखती है। फील है वो लो गियर में, लो टॉर्क कितना अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने फोर्थ गियर पे लगा रखी है, तो गाड़ी जो है थोड़ा सा अपने आप को पुश कर रही है। मेरे हिसाब से गाड़ी में जो ट्यूनिंग करी गई है वो वैसी नहीं है जैसे आपको रॉयल एनफील्ड की हिमालयन के अंदर मिलती है, बट स्टिल मैं फिर थोड़ा बहुत भी आपको दिखाता हूं। गाड़ी बंद हो रही है, ये टेस्ट राइड व्हीकल है और इसको मैं टेस्ट राइड कर रहा हूं। ये दिखाता हूं कि भाई कैसी चल रही है ये बाइक। तो चलने में तो ठीक ठाक ही है ये बाइक, इतना इसमें कुछ मुझे सस्पेंशन की अगर बात करूं तो सस्पेंशन बहुत ज्यादा स्टिफर तो नहीं है, काफी स्मूथ सस्पेंशन है, ब्रेकिंग भी काफी अच्छी दिख रही है इस बाइक की। बाकी चलने में काफी स्मूथ है बाइक, मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड हिमालयन से भी ज्यादा ये स्मूथ है ये वाली बाइक। तो आज की जो ये वीडियो है ये बस एक शॉर्ट टेस्ट राइड व्हीकल का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा दूर लेके नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक रॉ अनकट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ भैया कैसी है ये बाइक, जाना चाहिए इसके लिए नहीं जाना चाहिए। तो बाइक चलने में ठीक है, ओके है, बहुत बेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ रॉयल एनफील्ड हिमालयन से थोड़ी सी ज्यादा स्मूथर है, क्योंकि इस बाइक में आपको जो पावर मिल रही है वो भी ज्यादा है। 343 cc की ये बाइक है और इसके अंदर आपको जो पावर मिल रही है वो तकरीबन 30 PS के आसपास है, और जो टॉर्क है वो 29 Nm का है, तो उसके हिसाब से हिमालयन के हिसाब से पावर तो ज्यादा है। जो हिमालयन पावर मिलती है आपको तकरीबन 26 Nm की मिलती है, 26 Nm का टॉर्क मिल जाता है, लेकिन उससे ज्यादा इसके अंदर आपको पावर ही मिल रही है और टॉर्क भी इसमें आपको उससे ज्यादा मिल रहा है। तो पावर वाइज फिगर वाइज तो ये बाइक बेटर है हिमालयन के कंपैरिजन में, लेकिन चलाने में इसमें थोड़ा बहुत ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सस्पेंशन ठीक है, पूरी तरीके से टेस्ट नहीं कर पाया हूं, जब मीडिया व्हीकल आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सामने से मुझे बाइक की क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा टॉप नॉच नहीं लग रही है। जो चीज ये गाड़ी कैमरे में दिख रही है उतनी अच्छी मुझे पर्सनली नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहां पे प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल किया गया है, ये सब प्लास्टिक है, ये इसका मेटल का है, लेकिन ये चीज जो है ये थोड़ा सा मुझे चीप प्लास्टिक के आसपास थोड़ा सा लग रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लैक फिनिश दिया गया है, थोड़ा सा इसमें जो है ना आपको यहाँ पे गार्ड वगैरह लगा दिए हैं, फॉक्स स्किड प्लेट थोड़ी सी दे दी गई है, तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लग रही है। बाकी इसका जो वाइजर है वो अभी तक नहीं आया है, बाकी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है। इसके अंदर आपको बटन कहाँ है यार, इसके बड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, वहां पे कोई बटन नहीं है यूज करने के लिए, सारा कंट्रोल जहाँ आपको हैंडल में दिया गया है
तो उसके अंदर ट्रिप आ रही है, एवरेज आ रहा है, फ्यूल एम्प्टी आ रहा है 17 किलोमीटर, एवरेज आ रहा है 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिखा रही है ये। और ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसी मॉडल के अंदर मिल रही है, और किसी मॉडल के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है एडवेंचर के साथ। बाकी दोनों बाइक्स में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा बहुत क्वालिटी आपको देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल रही होगी तो, क्योंकि अनकट वीडियो होने वाली है तो क्वालिटी ठीक ठीक सी है, लेकिन मुझे पर्सनली, मैं आपको सच बताऊं कि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जो हिमालयन के अंदर मिलती है। वो फिनिशिंग इसके अंदर मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा जो पार्ट्स लगा दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा रॉ है, बहुत ज़्यादा नेकेड में आ रहा है, वो मज़ा मुझे नहीं दे रहा है। बाकी ठीक है, यही मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत छोटा इस बाइक के साथ, मैंने आपको सामने से दिखा दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर पाएंगे जब यहाँ पे वाइजर लग जाएगा। अभी तो वाइजर अभी आया नहीं है, क्योंकि कल ही बाइक लॉन्च हुई है। फ्रंट में यहाँ पे आपको LED वगैरह मिल रही है, यहाँ पे आपको लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन मिल रहे हैं, ABS है इसके अंदर दिया हुआ, डुअल चैनल ABS है, डुअल डिस्क दी गई है। तो यही सारा कुछ इस बाइक के एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस वीडियो के बाइक के बारे में, लेकिन अभी मैंने आपको खाली एक्सपीरियंस शेयर करना था चलाने के बाद। चलाने में अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो इस बाइक को तकरीबन 4 या 4.5 दूंगा, बहुत अच्छी मुझे नहीं लगी है, जैसे हिमालयन लगती है, लेकिन हाँ स्मूदर ज़्यादा है, थोड़ी बेटर है, परफॉर्मेंस ज़्यादा है, फिगर ज़्यादा है, तो थोड़ा सा स्पीड में और इंजन वाइज थोड़ी सी बाइक बेटर है। बाकी एक बार मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसी आवाज़ है इसकी, कैसी है ये बाइक। तो बस यही बताना चाह रहा था मैं आज की इस वीडियो में। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ, और बहुत जल्द चैनल पे एक और नई वीडियो आने वाली है जहाँ पर मैं बाइक के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर टायर आप लोग देख लीजिए, जाते जाते C8 के टायर दिए गए हैं, तो ठीक है सारी चीज़ें ओवरऑल ओके हैं, बट बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आई है, मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। तो बस छोटे में इतना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर भी नहीं कर पाऊंगा, बहुत जल्दी मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत क्विक बनाई है, क्योंकि काफ़ी लोग लाइन में हैं इसके टेस्ट राइड के लिए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और हमारे वाटर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।